और दोस्तों अभी अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर एक लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट एंड हेडलाइंस अलर्ट निकल कर आ रहा है। सभी पति पत्नियों के लिए कानून में कुछ ऐसे नए नियम जोड़े गए हैं जो हर एक शादीशुदा पति पत्नी को जरूर जान लेने चाहिए, और दो तीन नियम ऐसे हैं जिन्हें कुंवारे लड़के लड़कियों को भी जरूर जान लेना चाहिए। यहां आप देख पा रहे होंगे दोस्तों नियम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे कुछ नियम लिखे हुए आ रहे हैं यहां पर। मुझे पता है दोस्तों आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कौन सुनेगा इसकी 10 मिनट की बकबक को, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो आप मेरे बड़े भैया और भाभी जैसे लगते हैं, और अगर आप शादीशुदा नहीं है, कुंवारे लड़के लड़की हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते हैं, तो दोस्त होने के नाते मैं इस नए नियमों को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको तो इन्हें जानने में मात्र 8 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन शायद आप सोच भी नहीं सकते कि इनको बनाने और आपके साथ शेयर करने तक मेरी क्या मेहनत हुई। खैर उस सबको छोड़ो, क्योंकि मैं अपनी डीएलएस न्यूज कम्युनिटी के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको अपना फैमिली मेंबर मानता हूं, तो उसी के नाते मैं हर एक काम की खबर आपके साथ अपडेट करता रहता हूं। कुल मिलाकर के अगर आप एक ऐसे आदर्श पति पत्नी जो अपने पति या पत्नी से सच्चा प्यार करते हैं, दिल से मोहब्बत करते हैं, तो उनकी जिंदगी के लिए ये 8-10 मिनट जरूर निकाल लेना। या फिर अगर आप ऐसे लड़के लड़की जो किसी लड़के या लड़की से सच्चा प्यार मोहब्बत करते हैं, तो उनके लिए 8-10 मिनट जरूर निकाल लेना, क्योंकि आपको जिंदगी में कभी न कभी ये जरूर याद आएगा और फिर पता चलेगा कि हाँ यार उस डीएलएस भाई ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो को बंद करके जा सकते हैं, आराम से दूसरे कॉमेडी फर्जी वीडियो देखो। यूट्यूब के ऊपर खूब सारे वीडियोस पड़े हैं, ऐसी कोई कमी नहीं है। सॉरी अगर आपको इन बातों से बुरा लगा हो। तो चलिए अब मैं आपका कीमती टाइम जाया ना करके सीधा ले चलता हूँ इस खबर और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस की तरफ जो पीएम मोदी गवर्नमेंट के अंदर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के तहत निकल कर आ रहे हैं। पहला नियम ये पुराना ही नियम है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जमीन जायदाद में हक, पिता की संपत्ति पर महिलाओं का पूरा हक है। अगर लड़की के पिता ने खुद बनाई गई संपत्ति के मामले में कोई वसीयत नहीं की है, तब उनके बाद प्रॉपर्टी में लड़की को भी उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना लड़के को और उनकी माँ को। जहाँ तक के शादी के बाद इस अधिकार का सवाल है, तो ये अधिकार शादी के बाद भी कायम रहेगा। नियम 2 निकल कर आ रहा है पति से जुड़े हक के बारे में। संपत्ति पर हक, शादी के बाद पति की संपत्ति में महिला का मालिकाना हक नहीं होता, लेकिन पति की हैसियत के हिसाब से महिला को गुजारा भत्ता दिया जाता है। महिला को यह अधिकार है कि उसका भरण पोषण उसका पति करे, और पति की जो हैसियत है उस हिसाब से भरण पोषण होना चाहिए। वैवाहिक विवादों से संबंधित मामलों में कई कानूनी प्रावधान है जिनके जरिए पत्नी गुजारा भत्ता मांग सकती है। कानून जानकार बताते हैं कि CRPC, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और घरेलू हिंसा कानून के तहत गुजारे भत्ते की मांग की जा सकती है। नियम 3 निकल कर आ रहा दोस्तों, अगर हो जाए अनबन। अगर पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो जाए और पति पत्नी से अपने और अपने बच्चों के लिए गुजारा भत्ता चाहे, तो वह CRPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता के लिए अर्जी दाखिल कर सकती है। नियम 4 निकल कर आ रहा दोस्तों, खुद की संपत्ति पर अधिकार। कोई भी महिला अपने हिस्से में आई पैतृक संपत्ति और खुद अर्जित संपत्ति को चाहे तो वह बेच सकती है, इसमें कोई दखल नहीं दे सकता है। यानी कि अगर शादी के बाद पत्नी ने पर्सनली अपना जॉब करके या कोई बिजनेस करके कोई संपत्ति बनाई है, तो उस संपत्ति पर पति का अधिकार नहीं होगा, उस संपत्ति पर 100% मालिकाना हक पत्नी का ही होता है। महिला इस संपत्ति का वसीयत कर सकती है और चाहे तो महिला उस संपत्ति को अपने बच्चों की बेदखल भी कर सकती है। नियम 5 निकल कर आ रहा दोस्तों, घरेलू हिंसा से सुरक्षा। महिलाओं को अपने पिता के घर या फिर अपने पति के घर सुरक्षित रहने के लिए DV एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का प्रावधान किया गया है। महिला का कोई भी डोमेस्टिक रिलेटिव इस कानून के दायरे में आता है। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब दोस्तों घरेलू हिंसा। तो घरेलू हिंसा क्या है, इसका मतलब ये है कि महिला के साथ किसी भी तरह की हिंसा या प्रताड़ना। अगर महिला के साथ मारपीट की गई हो या फिर मानसिक प्रताड़ना दी गई हो, तो वह DV एक्ट के तहत कवर होगा। महिला के साथ मानसिक प्रताड़ना से मतलब है ताना मारना या फिर गाली गलौज करना या फिर अन्य तरह से भावनात्मक ठेस पहुंचाना। इसके अलावा आर्थिक प्रताड़ना भी इस मामले में कवर होता है, यानी किसी महिला को खर्चा न देना या उसकी सैलरी आदि ले लेना या फिर उसको नौकरी आदि से संबंधित दस्तावेज कब्जे में ले लेना भी प्रताड़ना है। इन तमाम मामलों में महिला चाहे वह पत्नी हो या फिर बेटी हो या फिर माँ ही क्यों न हो, वह इसके लिए आवाज उठा सकती है और फिर घरेलू हिंसा कानून का सहारा ले सकती है। ऐसे में कोई भी महिला ऐसे प्रॉब्लम से गुजर रही हो तो वो DV एक्ट के तहत शिकायत कर सकती है कोर्ट में जाकर के। नियम 6 निकल कर आ रहा दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि क्या है डोमेस्टिक रिलेशन। तो एक ही छत के नीचे किसी भी रिश्ते के तहत रहने वाली महिला प्रताड़ना की शिकायत कर सकती है। वह हर रिलेशन डोमेस्टिक रिलेशन के दायरे में आएगा। DV एक्ट के तहत एक महिला जो शादी के रिलेशन में हो, वह ससुराल में रहने वाले किसी भी महिला या पुरुष की शिकायत कर सकती है, लेकिन वह डोमेस्टिक रिलेशन में होना चाहिए। DV एक्ट की धारा 12, इसके तहत महिला मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में शिकायत कर सकती है और शिकायत पर सुनवाई के दौरान अदालत प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट मांगता है। महिला जहां रहती है, जहां उसके साथ घरेलू हिंसा हुई है या फिर जहां प्रतिवादी रहते हैं, वहां उसकी शिकायत की जा सकती है। नियम 7 यानी कि 7वां नियम निकल कर आ रहा है दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप में भी DV एक्ट लागू होता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। लिव इन रिलेशनशिप की बात करें दोस्तों, तो इनमें जो उनको अधिकार मिलते हैं नियम 8 के अंतर्गत निकल कर आने की, सिर्फ उसी रिश्ते को लिव इन रिलेशनशिप माना जा सकता है जिसमें स्त्री और पुरुष विवाह किए बिना पति पत्नी की तरह रहते हैं। यानी कि ऐसे कुंवारे लड़के लड़की जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और वो अगर पति पत्नी की तरह लाइफस्टाइल जीते हैं। बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं हमारे समाज में देखने को मिलते हैं कि लड़के लड़की भाग जाते हैं एक दूसरे से दूर और वो बाहर जाके रहने लग जाते हैं। कोर्ट मैरिज से पहले जो उनका वो लाइफ पीरियड होता है वो लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। और ऐसे में भी महिला के साथ DV एक्ट यानी कि ऐसे में वो लड़का अगर
लड़की के साथ कोई हिंसा करता है, किसी तरह की कोई प्रताड़ना करता है, तो इसमें लड़की का पूरा अधिकार है कि वो लड़के के ऊपर केस दायर कर सकती है। आप समझ रहे हैं ना इस बात को जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और लिव इन रिलेशनशिप में जो दोस्तों आते हैं, जरूरी है कि दोनों बालिग हो और शादी योग्य हो, यानी कि हमारे भारत के कानून में शादी की उम्र जो है लड़की और लड़के की 18-21 वो दोनों की कंप्लीट हो, तभी लिव इन रिलेशनशिप सही काउंट होगा। और यदि दोनों में से कोई एक शादीशुदा है तो ऐसे में उसे लिव इन रिलेशनशिप नहीं कहा जाएगा। और अगर दोनों तलाकशुदा और अपनी इच्छा के साथ रह रहे हैं तो इसे भी लिव इन रिलेशनशिप माना जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला को घरेलू हिंसा कानून के तहत प्रोटेक्शन मिला हुआ है। नियम 9 लेकर कर आ रहा दोस्तों, सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्शन, यानी कि इस तरह की हरकतों या फिर छेड़छाड़ जैसे रेप जैसी वारदातों के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। महिलाओं के खिलाफ इस तरह के घिनौने अपराध करने वालों को सख्त सजा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आप सभी को पता होगा दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा 16 दिसंबर 2012 की रात निर्भया के साथ जो हुआ था, उसने देश में महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा को लेकर कड़वी सच्चाई से लोगों को रूबरू करवाया। निर्भया केस जो बहुत दिनों तक चला था और उसके बाद सरकार ने रेप जैसे कानून में कई तरह के बदलाव किए, जो आप यहां देख पा रहे होंगे कि आईपीसी की धारा 375 के तहत रेप के दायरे में ऐसी सभी हरकतें आएगी जो यहां पे लिखी हुई है। इन्हें मैं आपको बोलकर शायद नहीं कह पाऊंगा कि महिला के साथ जबरदस्ती करना, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ करना वगैरह वगैरह, आप यहां वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। नियम 10वां निकल कर आ रहा है दोस्तों, वर्क प्लेस पर प्रोटेक्शन। वर्क प्लेस पर भी महिलाओं के तमाम तरह के अधिकार मिले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विसाका जजमेंट के तहत गाइडलाइंस तय की थी और इसके तहत महिलाओं को प्रोटेक्ट किया गया है। यानी कि कोई महिला अगर ऑफिस दफ्तर कहीं जॉब करने जाती है तो वहाँ भी उनके साथ पूरी तरह से प्रोटेक्शन के लॉ और कानून फॉलो होंगे। अगर कोई आदमी या कोई लोग ऑफिस स्टाफ उसको बेवजह परेशान करता है तो उसके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नियम 11वां जो निकल कर आ रहा है दोस्तों, गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ खास अधिकार हैं। इसके लिए संविधान में प्रावधान किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 42 के तहत कामकाजी महिलाओं को तमाम अधिकार दिए गए हैं। पार्लियामेंट ने 1961 में यह कानून बनाया था जिसके तहत कोई भी महिला अगर सरकारी नौकरी में या फिर किसी फैक्ट्री में या किसी अन्य प्राइवेट संस्था में जिसकी स्थापना एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत हुई हो उसमें काम करती है तो उसे मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा। इसके तहत महिला को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है, यानी कि छुट्टियां मिलती हैं गर्भवती महिला को, और इस दौरान महिला को वही सैलरी और भत्ता भी दिया जाएगा जिसको उसे आखिरी बार सैलरी के प्रावधान में दिया गया था। इसके अलावा 12वां नियम आता दोस्तों, अबॉर्शन के लिए महिला की सहमति अनिवार्य है। महिला की सहमति के बिना उसका अबॉर्शन यानी कि गर्भपात नहीं कराया जा सकता है। जबरन अबॉर्शन कराए जाने के मामलों में निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। कानूनी जानकार बताते हैं कि अबॉर्शन तभी कराया जा सकता है जब गर्भ की वजह से महिला की जिंदगी खतरे में हो। 1971 में इसके लिए एक अलग कानून बनाया गया था, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, और इस एक्ट के तहत यह प्रावधान किया गया कि अगर गर्भ के कारण महिला की जान खतरे में हो या फिर मानसिक और शारीरिक रूप से गंभीर परेशानी पैदा करने वाले गर्भ में पल रहा बच्चा विकलांगता का शिकार हो तो ही इस कंडीशन में अबॉर्शन यानी कि गर्भपात करवाया जा सकता है, महिला के बच्चे बच्ची को हटवाया जा सकता है। बाकी उसका महिला के ऊपर पूरा अधिकार है, पति अपनी इच्छा या जबरदस्ती करके महिला के साथ ऐसा कोई नहीं कर सकता है। 13वां नियम आता दोस्तों, दहेज निरोधक कानून। दहेज प्रताड़ना और ससुराल में महिलाओं पर अत्याचार के दूसरे मामलों से निपटने के लिए कानून में सख्त प्रावधान किए गए हैं। महिलाओं को उसके ससुराल में सुरक्षित वातावरण मिले कानून में इसका पुख्ता प्रबंध है। दहेज प्रताड़ना से बचने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान किया गया और इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक शारीरिक या फिर अन्य किसी तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है और इसे संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। वहीं अगर शादीशुदा महिला की संदिग्ध परिस्थिति में जान चली जाती है तो शादी के 7 साल के दौरान हुआ पुलिस आईपीसी की धारा 304B के तहत केस दर्ज करती है और ऐसे में कड़ी सजा का प्रावधान है। 14 नियम यहाँ देख पा रहे होंगे कि स्त्री धन पर महिला का अधिकार। स्त्री धन वह धन है जो महिला को शादी के वक्त उपहार के तौर पर दिया जाता है, फिर चाहे वो उसके दोस्तों से दिया जाए हो या दोस्तों उनके फिर परिवार मम्मी पापा के द्वारा कोई भी उनको उपहार या गिफ्ट दिया जाता है तो इस पर लड़की का पूरा अधिकार होता है। उसके ससुराल वाले या फिर पति उसके उस स्त्री धन को किसी भी तरह से नहीं छीन सकते या अधिकार नहीं ले सकते। 15वां नियम देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पुलिस हिरासत में भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार है। महिला की तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मी ही ले सकती है। महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले महिला पुलिस भी हिरासत में नहीं ले सकती है। अगर महिला को कभी लॉकअप में रखने की नौबत आती है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था होगी। बिना वारंट या गिरफ्तार महिला को तुरंत गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी होगा। उसे जमानत संबंधी अधिकार के बारे में भी बताना जरूरी है। गिरफ्तार महिला के निकट संबंधी को सूचित करना पुलिस की ड्यूटी है। 16वां नया नियम निकल कर आया दोस्तों, मुफ्त कानूनी सहायता। महिलाओं को फ्री लीगल एड दिए जाने का प्रावधान है। अगर कोई महिला किसी केस में आरोपी है तो वह फ्री कानूनी मदद ले सकती है और वह अदालत से गुहार लगा सकती है कि उसे मुफ्त में सरकारी खर्चे पर वकील चाहिए। महिला की आर्थिक स्थिति कुछ भी हो लेकिन महिला को यह अधिकार मिला हुआ है कि उसे फ्री में वकील मुहैया कराया जाए। यानी कि अगर किसी तरह के ऐसे कोई मामला बन जाता है लड़की महिला पति पत्नी के साथ में, ऐसे में पत्नी फ्री में सरकारी कानून या वकील की सहायता ले सकती है। 17वां नियम आता दोस्तों, पॉक्सो कानून। बच्चों के खिलाफ बढ़ते यौन अपराध को रोकने के लिए बच्चों को ऐसे अपराधों से संरक्षण देने के लिए सरकार ने 14 नवंबर 2012 में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट बनाया था। ऐसे मामलों का जल्द से जल्द निपटारा और दोषियों को सजा सुनाए जाने से अपराध पर लगाम लगे। इसके अलावा अगर किसी भी महिला को अपने पति के द्वारा, ससुराल के द्वारा या किसी
भी पत्नी को जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, इमरजेंसी सहायता की जरूरत हो तो राष्ट्रीय महिला आयोग के फोन नंबर यहाँ आप देख पा रहे होंगे 0112323716166 और 2323698 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली राज्य महिला आयोग के नंबर यहाँ आप देख पा रहे होंगे 0112337915। इसके अलावा यूपी राज्य महिला आयोग के भी फोन नंबर यहाँ दिए हुए, ईमेल एड्रेस दिया हुआ, तो आप अपने संबंधित स्टेट या एरिया से रिलेटेड या फिर डायरेक्ट सेंटर दिल्ली राज्य महिला आयोग को फोन करके सहायता मांग सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है पति पत्नियों को लेकर कुछ महिलाओं के अधिकार से संबंधित नए रूल्स एंड रेगुलेशंस थे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के अंदर ये अपडेट एंड ट्रेंडिंग न्यूज अलर्ट हमने डीएलएस न्यूज कम्युनिटी के साथ में शेयर किया। उम्मीद है आप कुछ न कुछ नए अपडेट मिले होंगे। बाकी आपकी लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू। और इसी तरह के काम की खबरें और लेटेस्ट न्यूज से अपडेट रहने के लिए डीएलएस न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करना।